यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। मेरठ कचहरी में आज खासा हंगामा खड़ा हो गया। एक अधिवक्ता अरविंद सिंह के चैम्बर में घुसकर उनके साथ मारपीट करने के आरोपी को आज कचहरी में वकीलों ने घेर लिया और जमकर उसकी ठुकाई की। इसके चलते कई घंटे तक कचहरी में हंगामे व अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस पूरे मामले में एक बार फिर से चर्चित अधिवक्ता दीप्ति चौधरी का न सिर्फ नाम सामने आया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने आरोपी चीन उप सुमित चौधरी निवासी अमहेड़ा आदिपुर थाना गंगानगर वे दीप्ति चौधरी निवासी तेज विहार रोहटा रोड थाना कंकड़खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व दोनों को ही कचहरी परिसर से पुलिस ने बामुश्किल निकालकर अपनी गिरफ्त में लिया। दरअसल गंगानगर डिफेंस कॉलोनी निवासी अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने 18 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ चैम्बर पर अधिवक्ता दीप्ति चौधरी व उसके साथी चीनू उप सुमित चौधरी ने मारपीट की थी। इस दौरान तमंचा भी अरविंद चौधरी पर तान दिया गया था। कचहरी चैम्बर में हुई इस मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो गया था। देखिए पहले वे वीडियो। बहुत कमजोर आदमी हूँ, बैठ। बहुत कमजोर आदमी हूँ, बैठ। बुला, किसे बुला? बता, मेरी माँ इतना बड़ा हो गया है। यार बैठ। नहीं हुआ? पक्का? बैठ। नो बता, नहीं हुआ? नहीं हुआ। नो कहा था नंबर दूँ मैं? नहीं। नो कहा नंबर दूँ मैं? हाँ नंबर। नो बता मैं नंबर दूँ? हाँ नंबर। नहीं फिर नूगा मैं नंबर दूं? मैं नंबर दूं। पक्का? पक्का। पक्का नंबर देना तू? चोद मामे चल खड़ा हो, खड़ा हो, चलो बोलो यार। आज कंकड़खेड़ा के एक मामले में चीनू सुमित चौधरी को कचहरी लाया गया था। जैसे ही इसकी सूचना अधिवक्ताओं को मिली उन्होंने चीनू व दीप्ति चौधरी को घेर लिया। यहां उनकी पिटाई की गई। पुलिस ने बामुश्किल किसी तरह उनकी जान बचाई। इस दौरान दीप्ति चौधरी से भी मारपीट की गई। चलो 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 अंदर ले जाओ, हटो पीछे, हटो पीछे, हटो। इस बारे में बार एसोसिएशन के सचिव अजय शर्मा ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। अजय शर्मा, सेक्रेटरी मेरठ बार एसोसिएशन। हाँ, क्या पूरा मामला हुआ था? पूरा मामला ये था कि अभी 5-7 दिन पहले हमारे यहाँ के एक एडवोकेट दीप्ति चौधरी और एक चीनू नाम के लड़के द्वारा एक हमारे एडवोकेट के साथ मारपीट करी गई थी। उनके साथ उनके लूट वूट करी गई थी, चैन वगैरह की। उसका मुकदमा थाना सिविल लाइन में लिखा गया था। उन लोगों की तलाश चल रही थी। इसी बीच कल रात दोनों लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर किसी पल्लापुरम थाना क्षेत्र में कोई घटना करी। उस घटना में मुकदमा कायम हुआ 307 में। उसका रिमांड आज पुलिस लेने आई थी। सिविल लाइन थाना वाले पुलिस भी आज रिमांड उसका रिमांड दोनों थानों से मुकदमा का रिमांड बन गया है। ठीक है, जेल भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया दोनों आरोपी। थोड़ा आक्रोशित दिखे वकील? अधिवक्ताओं के मैं रोष था क्योंकि अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई थी, इस वजह से थोड़ा सा रोष था अधिवक्ताओं में। ये नेचुरल सी बात है कि किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई मारपीट होगी तो रोष रहेगा उसमें। वो भी कचहरी प्रांगण में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।